बस प्रेमचंद यादव का घरवा टूट जाएगा। अब तीन टू बिटिया उसकी रोती हुई जो है खेत खलियान में अकेले बिना छत के रहेगी, उसकी औरत रहेगी, उसका बुजुर्ग बाप, ब्राह्मण समाज बहुत खुश हो जाएगा। सनातन की जोड़ी को कलंकित कर दिया चंद जमीन के टुकड़ों ने मिश्रा जी, चंद जमीन के टुकड़ों ने। समाज अंधा होकर के बहुरा चुका है। जिससे भी आप माइक लगाए होंगे गुरु, वो अपने अपने जाति का राग अलाप करके एकदम क्रांति लाना चाहता है। एकदम सही बात है, ये ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, एकदम सही बात है कि पांच जने उमरी गया, देवे से कठो बचा है, उसको भी घसीट करके पुलिस प्रशासन खमच करके उसको भी जेल फेल में डाल के अपराधी बना, तो यादव समाज भी खुश हो जाएगा। बस इतना खुशी है गुरु, बंद कर दो राजनीति, अब जाति मजहब का चमक लिए ना, कैमरा हमारा भी चल चुका, अब CBI जांच करा दो। आप चाहते हैं इस पूरे मामले पर CBI जांच हो? दोनों परिवारों को 20-20 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए। दोनों परिवार को, दोनों का परिवार का मुखिया मर गया गुरु, खत्म हो गया। उन सबों का जिसका बाप और जिसका परिवार मर जाता है उसी का आत्मा जानता है। सनातन की परंपरा अगर दोनों जातियां करती ना, तो कभी ना कोई सुदामा कृष्ण को गाली देता और ना कृष्ण कभी सुदामा को। ब्राह्मण होकर के प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ खड़ा, यदुवंशी साम्राज्य का भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण परिवार के लिए भी यही तो एक पहल है यार। हमारे लोग मार दिए गए फिर भी हम तुमको गले लगा रहे कि नहीं यार गलतियां होंगी। इस तरीके का कोई भी नेता इस पूरे प्रदेश के अंदर इस संदेश को देने में नाकाम रहा। अखिलेश यादव भी कोई नहीं। अखिलेश यादव भी नाकाम रहे। अरे तो योगी बाबा भी तो नाकाम रहे। बृजेश पाठक तो जाके वहाँ कूद पड़े पहले ही, ना बृजेश पाठक जाते ना अखिलेश यादव आते। यदि हमको कोई मारेगा तो हमारे लोग पटक पटक कर उसको भी मारेंगे। इस तरीके का कहना बनारस वाले मिश्रा जी का, अभी जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 अक्टूबर को देवरिया में क्या कुछ हुआ उसके जवाब में जब पत्रकार बंधु ने इनसे सवाल किया तो मिश्रा जी का ये जवाब था कि देवरिया में जो कुछ हुआ वो क्रिया का प्रतिक्रिया था। आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ठीक इसी प्रकार का बयान जिलाधिकारी महोदय का भी आया कि क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ, और यही बयान अखिलेश यादव का भी आया। एक पोस्ट है स्वामी आनंद स्वरूप का, काली सेना के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा जिलाधिकारी देवरिया ने जो आग लगाई है अखिलेश यादव उसी आग में घी डाल रहे। मैं उनसे सवाल किया था और वही सवाल आज आपसे भी करूंगा, क्योंकि आपकी बात सुनने के बाद उनका भी यही सवाल होगा कि देवरिया के जिलाधिकारी ने जो आग लगाई है उसी आग में बनारस वाले मिश्रा जी घी डाल रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई गुरु जी हैं, उनको सादर प्रणाम है, उनका सम्मान है। क्षमता होता है अपना अपना बुद्धि का वहाँ आग लग गया, छह मिला मर गए। प्रदेश को जो शांति गुरु जी को देना चाहिए, शांति का संदेश देना चाहिए, है एकदम खबरदार, कोई भी जाति मजहब की बात नहीं होगी, घटना को दुर्घटना देखते हैं और इसका पूरा इंटरनल पूरी जांच होगी। जिसका जो रहेगा ये इल्ला चिल्ली करके लोगों के दिलों में नफरत पैदा करके आदेशी, इसका अंत क्या होगा और कौन संभाल पाएगा उस हिंसा और जाति हिंसा को, इसका कभी किसी को अंदाजा है? बस मुंह उठाए बोल दिए। इसका यह मतलब है ऐसे लोगों का बयान देना, इस तरीके की क्रूरता भरी बयान देना कि वो प्रदेश को और अपने अगल बगल के लोगों को इंसान नहीं समझते। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए कहना ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति बहाली का भी एक संदेश जाना चाहिए, आपके भी द्वारा हमारे भी द्वारा, क्योंकि ये सरकार नहीं कर पाई और जिम्मेदार लोग एक मिला भी नहीं कर पाए। जिससे भी आप माइक लगाए होंगे गुरु, वो अपने अपने जाति का राग अलाप करके एकदम क्रांति लाना चाहता है। एकदम सही बात है, ये ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, एकदम सही बात है। आप जिसको भी आप लगाए होंगे, सही बात है, लगाए होंगे तो बस वो, आप जैसे 52 जाति के लगाए होंगे तो बस करिए ओप तोप लगा देंगे, एकदम पूरा यादव जी लोगों का घर में जरा देंगे। इन लोगों से बात करिए तो पता चला कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के बावनों को खत्म कर देंगे, अब वो पूजा पाठ नहीं कराएंगे। बारे ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों और बारे यादव समाज के यदुवंशी साम्राज्य क्या कहेंगे सनातन के ऊपर, और सनातन की जोड़ी को कलंकित कर दिया चंद जमीन के टुकड़ों ने मिश्रा जी, चंद जमीन के टुकड़ों ने। सियासतदारों का खेल देखिए, पहुँच जाते हैं दोनों साहब, दोनों ढपली एकदम लगातार। इसको कार्टून की स्थिति में देखो, पत्रकार जब मामला कोई गंभीर हो जाए ना तो उस पर हंसो, व्यंग एक बहुत बड़ी दवा होती है, व्यंग्यात्मक हंसी आती है। अब मुझे
ये जातिवादी लोगों का खेमा देखकर पूरा शासन प्रशासन सरकार सरकार चपा हुआ है कि बस प्रेमचंद यादव का घरवा टूट जाएगा और तीन टू बिटिया उसकी रोती हुई जो है खेत खलियान में अकेले बिना छत के रहेगी, उसकी औरत रहेगी, उसका बुजुर्ग बाप तो मर तो मर सरकार तो सुरक्षा लगा सुनिए 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 घर कैसे तोड़ेगी उसका, मर गया तो मर गया। जो डिमांड है सोच देख लीजिए किस समाज में हम और आप जी रहे हैं और क्यों नहीं राजनीतिक एक व्यंग्यात्मक तीर कसा जाए हमारे यार आपके द्वारा इस समाज के ऊपर। समाज अंधा होकर के बौरा चुका है और तीनों मिली आ जाएंगी बच्चियां उसकी रोज तो ब्राह्मण समाज बहुत खुश हो जाएगा कि बस करो प्रेमचंद यादव का घर टूट गया अब उसको पूरा सर माने वो दुबे जी जिंदा हो जाएंगे जिसे लग रहा। और इधर यादव जी लोगों को ही लग रहा है कि पांच जने वो मरी गया देवेश एक कठो बचा है उसको भी घसीट करके पुलिस प्रशासन खमच करके उसको भी जेल फेल में डाल के अपराधी बना तो यादव समाज भी खुश हो जाएगा। बस इतना खुशी है गुरु पूरे मैटर को अगर आप 2 अक्टूबर से अभी तक बीच का रास्ता कोई बुद्धिजीवी ये नहीं कह सका कि बंद कर दो राजनीति अब जाति मजहब का चमक लिए ना कैमरा हमरा भी चल चुका अब सीबीआई जांच करा दो। तो आप क्या चाहते हैं सीबीआई जांच हो? सीबीआई जांच हो सरकार दोनों परिवारों को मित्र सुन लीजिए दोनों परिवारों को 20-20 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए दोनों परिवार को दोनों का परिवार का मुखिया मर गया गुरु खत्म हो गया उन सबों का जिसका बाप और जिसका परिवार मर जाता है उसी का आत्मा जानता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और 4 दिन आप लोग हुआ हुआ कर रहे हैं तवा दिन तक उसके बाद 6 महीना बाद जाके दोनों परिवारों की स्थिति देखेंगे कोई नहीं। अरे इस देश की सेना यार इस देश की सेना के लोग जब मर जाते हैं ना सरकारी घोषणा होती है पेट्रोल पंप तो ये वो सेना मर जाता है सेना का सिपाही हमारा बॉर्डर पर इसी देश के लिए। अब बड़े शान से उसका जो हम सौदा सब करते हैं देखते हो कि नहीं 6 महीना बाद उस सेना के जवान के घर जाके माली स्थिति को देखो मिश्रा जी कोई पूछने वाला नहीं है गुरु। और वर्तमान सिस्टम को समझने की कोशिश है बलबलाने से उखड़ने से कुछ नहीं है। सियासतदारों को अपनी तो रोटी सेकनी है भाजपा को ब्राह्मण और चाहिए डिप्टी सीएम जी गए सलमणि जी को विधायक से और बड़ा मिनिस्टर बनना है वो अपना खेले बावन बावन की मार दिया गया बड़ा दुख हुआ वो सबको दुख हुआ उन्हीं का एक करेजा नहीं था लेकिन उसमें अब 5 मिला मराए हैं तो अब उसके आड़ में अब इतना घमासान थोड़ो नहीं करा देना कि 100 और बाबन को हम मरवा दें यादवों से। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो है यदि हम वहां से नहीं बचाते तो उस बच्चे की हत्या हो जाती खुलेआम धमकी दिया गया था इस परिवार के तरफ कहा था जो 2 बच्चे उनको हम मारेंगे तो सलमण त्रिपाठी उस बच्चे को वहां अकेले छोड़ देते मरने के लिए मतलब बाप मर गया भाई मर गया बहन मर गई अब उसकी भी हत्या हो जाए इसलिए छोड़ देते। कौन था नमवा कौन धमकी दे रहा था वही तो हम यार देखो हम तक जाते हैं हम बारीकियों से देखते कौन है उसका एफ आई आर कहाँ है। प्रेमचंद का तो परिवार भी नहीं गया दुबे जी के घर उनको मारने के लिए 12 ब्राह्मण गए 4 तरनी कहाँ से मौर्या जी चले गए राजभर चले गए उन्हीं सबों को इतना ताव धर गया गए मार दिए मारा मैंने एक का बदला 5 उधर अब पूरा गांव अलग से और पूरी जाति प्रदेश की संघर्ष में पूरे प्रदेश की जनता जाति संघर्ष में चला गया। मिश्रा जी हम जिससे भी सवाल किए कोई ये कहा कि पहले जिसकी हत्या हुई उसके प्रति सिंपैथी गई कोई ये कहा कि इधर हमारी दोनों परिवार के तरफ से है मैं देखिए हाँ, यही सवाल पे मैं बाबा विश्वनाथ दोनों परिवार के हम दोनों परिवार के साथ हैं हम दोनों परिवार हम क्रूर आदमी नहीं हैं हम निष्ठुर आदमी नहीं हम खून बहा करके इस राजनीति में बड़का कुर्सी नहीं पाना चाहते गुरु और हमको हम इतना नीचे नहीं गिर सकते हम दोनों परिवार ये बहुत बड़ा दुर्घटना है हादसा है और सरकार को अपने चकबंदी के अधिकारियों को बैठा करके योगी सरकार को सख्त चेतावनी देनी चाहिए कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करें। अधिकारियों से उब गई है जनता तब ना आपस में मारपीट कर रही है एक सवाल जहन में कौद रहा है कि नहीं 7 साल से मुकदमा चल रहा है वो रजिस्ट्री करा लिया और उसके बाद वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भी तो त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है तो तनिक क्या क्या बना है लटक गया 10-20 हज़ार रुपया दलाली चकबंदी विभाग में चलता है तारीखें फैसले पलटे जा रहे हैं कोर्ट के अंदर क्या आप रोकेंगे इस पर नहीं बात हो रहा है मर गया तो अब जाति चौजे तो जिसको शौक हो भैया वो एक ठो कुरुक्षेत्र के धर्म मैदान तय कर ले कुल ठाकुर यादव अरे कुल बाभन यादव जाके पहले लड़े
सनातन की परंपरा अगर दोनों जातियां करती ना तो कभी ना कोई सुदामा कृष्ण को गाली देता और ना कृष्ण कभी सुदामा को गाली देता। क्या बात कहे हैं आप, और शायद ये लोग समझ पाते तो जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं इधर, यादव सेना के लोग कह रहे हैं कि हम इनका पंडिताई बायकॉट कर देंगे, ये कह रहे हैं कि हम इनका दूध बायकॉट कर देंगे, इस तरीके से तो लड़ाई चल रही है। इधर कोई महापंचायत बुला रहा है, कोई कह रहा है यदि तुम महापंचायत बुलाओगे तो तुमसे बड़ी महापंचायत हम बुला लेंगे, महासभा हम बुला लेंगे। देखो भाई एक बात कहना चाहता, मैं ब्राह्मण होकर के प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ खड़ा, प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ है माने खड़ा हूँ। ब्राह्मण होना हमारा तो भाई, आप कहेंगे कि कुल जाति खानदान आपका मरा गया, हमारा तो पांच लोग मरा, फिर भी मैं खड़ा रहा ना, मैं खड़ा हुआ ना। कोई यदुवंशी साम्राज्य का भी व्यक्ति हो जो ब्राह्मण परिवार के लिए भी, यही तो एक पहल है यार। हमारे लोग मार दिए गए फिर भी हम तुमको गले लगा रहे कि नहीं यार गलतियाँ होंगी। इस तरीके का कोई भी नेता इस पूरे प्रदेश के अंदर इस संदेश को देने में नाकाम रहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ। अखिलेश यादव भी कोई नहीं अखिलेश यादव भी नाकाम रहे। अरे तो योगी बाबा भी तो नाकाम रहे, ब्रिजेश पाठक तो जाके वहाँ कूद पड़े पहले ही, ना ब्रिजेश पाठक जाते ना अखिलेश यादव आते। योगी जी तो निष्पक्ष थे, योगी जी निष्पक्ष थे, योगी जी तो एकदम धृतराष्ट्र की तरह कुर्सी पर बैठ करके पूरा एकदम चीरहरण देख रहे थे कानून का। मजा आया योगी बाबा को इसमें, यादव और ब्राह्मण लड़ेगा तो इस प्रदेश में किसको मजा आएगा। प्रदेश में इस तरीके से यदि यादव पंडित होगा तो लॉयन ऑर्डर उनका बिगड़ेगा, दिक्कत। लॉयन ऑर्डर उनको कहाँ है, वो लॉयन ऑर्डर वाले कभी थे ही नहीं मुख्यमंत्री, तो आप भी बात करो लॉयन ऑर्डर, वो भी योगी सरकार, क्या बात कर रहे हैं। कितना पढ़े हैं योगी बाबा, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी असर होता है कि नहीं आदमी के ऊपर, और नहीं होता तो क्यों पढ़ रहे हैं इतना। न्यासी हैं, योगी हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं। आप मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं। अरे अरे यार आप देखिए, अच्छा ठीक है, आपको बुरा लगा? नहीं हमको नहीं बुरा लगेगा, लोग लोगों को बुरा लगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मूर्ख को मूर्ख ना समझ, मूर्ख से अगर उनको तकलीफ होता है तो वो अंग्रेजी में फूल समझ ले। तो योगी बाबा इज वेरी फुलिश पर्सनैलिटी, बोल दिया, अब तो ये अच्छा लगा होगा। कहें क्यों ना, यहाँ लोग नहीं कहते हैं क्या हम लोग के बनारस में? कभी बख्शोद हुए तो क्या समझावत हुआ, समझत ना हुए? अबे बेवकूफ हो, अबे मूर्ख हो, तो इसी बात पर भी जेल? कैसे हो यार, कैसा सरकार है। एज ए नागरिक एक सवाल मैं करना चाहूंगा, तब वो लोग इनको दोषारोपण किए और वो इनको दोषारोपण किए, दोनों समुदाय के लोगों को, एक दूसरे से जिम्मेदार लोगों को, गलती किसकी है आपकी नजर में, गलती कौन किया? गलती तो हालात और समय और वक्त की थी, खत्म हो गई। दोनों परिवारों को सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है दे। दूसरी वाली बात, दोनों समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों को गले मिल करके प्रदेश में अमन चैन शांति की बात दीजिए, संदेश देना चाहिए कि जो होगा वो होगा। क्या चाहते हैं हमको ये दोनों समुदाय के जो ठेकेदार लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस नरसंहार से ये अंत क्या चाहते हैं? कुल यादव जी लोगों का खून बहा दें और कुल पंडित जी के लोगों का सर काट दें? क्या कर लोगे, क्यों इस तरीके से लोग कर रहे हैं? मैं दोनों समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि समझें और ऐसे लोगों का तिरस्कार करें। आप चाहते हैं इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो और 20-20 करोड़ रुपए दोनों को दिया जाए, वो सब अपन सिक्योरिटी से पहले रहें सहें। हाँ, और जिनको ज़्यादा चिंता है ना, वो हर साल हर 6 महीने पे अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर वहाँ जाएं और उसका रिपोर्ट शासन को दें, जिसके जाति का हो जाके शासन को। आपके हम पहले स्टेटमेंट पर आते हैं, आपने कहा कि यदि हम में मरबा तो हमरे लोग तोके छोड़िए ना। निश्चित रूप से भाई, अब का करबा, तो ही हमके मरबा एठन पूछत तहिला ये कैमरा में या केहू भी रहे। नहीं मतलब आपका कहने का मतलब कृत्य प्रतिकृतम क्रियात हिंसने प्रति हिंसनम कर दिया जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि एक लोगों को मारा जाए। आप रोक पाएंगे? हम रोक पाएंगे? अगर इतने बड़े था रोकने का ताकत तब तो योगी बाबा रोक सकते। सवाल तो पुलिसिया व्यवस्था पे उठाना। हाँ एकदम है तो अधिकारी। इस दावे के साथ आप कैसे कह देंगे कि यदि क्रिया का प्रतिक्रिया वहाँ हुआ? अरे भाई क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं हुआ, जब मरा उसके आधा घंटा तक पुलिस आपकी नहीं पहुँच पाई, फोर्स बेचारों के पास नहीं रहा होगा पता नहीं। जीरो टॉलरेंस वाला ना सरकार है, तब से तक वहाँ सब झुंड बना के आए, पूरा परिवार भी खत्म कर दिए, एक के बदले 5 पुलिस कहाँ थी ये कोई नहीं पूछा था। ये पूछना बेकार है कि वहाँ प्रेमचंद यादव का घर भी गिरा दो। कहना क्या चाह रहे हैं कि चला ही देंगे मन का जो मन में आ रहा है? हाँ अरे मनमाने नहीं है, मनमाने नहीं होते तो
सॉरी बोलते, माफ़ी मांगते प्रदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी बाबा की, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के मानसिक लापरवाही के वजह से प्रदेश के अंदर शांति और जातीय व्यवस्था जो फैली है, मैं उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं दोनों पक्षों से कहना चाहता हूँ कि कृपया जाति का रंग दे करके प्रदेश का माहौल खत्म ना करें, हम आपके साथ हैं। तो मतलब बिना गलती के मुख्यमंत्री जी आप चाह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, मतलब झूठ मूठ का एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारे नेता की गलती है। ठीक है, तो भाई अब तो ये आप मान रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने एक तरफा अपने ही जाति के यहाँ जाके कुछ मान रहे हैं, हमारा ऐसा कोई क्या करें। एक बुद्धिजीवी आदमी कौन जवाब दे दे कि आप जैसा पत्रकार संतुष्ट हो जाए और आपकी जनता संतुष्ट हो जाए, क्या दे दे एक बुद्धिजीवी। आप हर मामले पर बहुत ही बेबाकी से राय रखते हैं और बिना डरे हुए अपनी बात रखते हैं। इस पूरे देवरिया नरसंहार पर बात करें तो आपका एज ए नागरिक का क्या कुछ ओपिनियन होगा? नहीं, मैंने आपको बता दिया कि पहले चयन कैसे होगा, यही सवाल मेरा सबसे रहा है। और मैं उनसे भी किया, उनसे भी, वो 20-20 करोड़ रुपये जिस दिन योगी बाबा चेक दे देंगे और इन सबों की शिक्षा के बाद तुरंत सरकारी नौकरी का वो दे दें कि जाओ अपन रहे अपना सब। जब जब भाई मर गए, जो मर गए उनको तो वापस हम ला नहीं ला सकते, और जो मर गए अब उनके मरने के आधार पर दो बड़ी जातियों का बड़ी हिंसा और खून खराबा तो नहीं ना कराएंगे यार, क्या कराएं थे? मतलब आप मान रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी हो जाए, मामला क्या शांत हो जाएगा? और नहीं अधिकारी सुधरेंगे तो ऐसे ही बनारस में होगा जमीनी के लिए, जमीन विवाद में उस जो पूरे प्रदेशवा में हालत है गुरु, क्या करेंगे आप? और कितना कवर करेंगे, कितना बनारस वाले मिश्रा जी बोलेंगे? इन दोनों पर बुलडोजर से नहीं खुश हैं क्या आप? आप चलवा करके तोड़वा देंगे, हम लोग बनवा देंगे। क्या जगह बनवाएंगे? जगह आप चलवा, छापा मरवा देंगे जितना जब पैसा रखे होंगे सर। अरे चौराहा पे एक एक दो रुपया आपके सामने, आप कैमरा लगाए रहिएगा और देखिएगा पूरे प्रदेश से कैसे पैसा मिलता है और कैसे उन सबों का घर मिलता है, दोनों पक्षों का। जिसका घर टूटेगा उसका घर बनवा देंगे और जिसका नहीं रहेगा उसके लिए नहीं चंदा इकट्ठा करें, क्यों नहीं करें? उसके लिए भी इकट्ठा करिए, कैसे करें उसके लिए भी कीजिए, आप बताइए, चलिए मांगा जाए। और ये ठेकेदार क्या करेंगे, कुल हम ही से करवा ले रहे हो? ये जो गए हैं बड़का बड़का सेना वाले लोग, ये सब खाली हौरा करेंगे, आग लगाएंगे यार, इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हो मित्र? नहीं, सवाल हम उनसे भी पूछे, नहीं उनसे पूछिए, गंभीरता से पूछिए और मेरी बात का जवाब भी आप गंभीरता से समझ ही गए होंगे। सबके लिए यहाँ दिल में जगह है, एक अच्छा लीडर हूँ, एक अच्छा नागरिक हूँ और मौत का कभी समर्थन नहीं कर सकता। बड़ी ही बेबाकी के साथ तमाम विषय वस्तु पर अपनी राय रखने वाले बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ थे। और देवरिया मामले पर क्या कुछ इनका राय था, क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया थी, और इनका साफ रूप से कहना है कि 20-20 करोड़ रुपए दोनों परिवार को दिया जाए और इस मामले पर CBI जाँच होना चाहिए, इस तरीके की बात ये रख रहे थे। और इनका कहना था ये घटना क्रिया की प्रतिक्रिया थी और इस पर तमाम लोग तमाम तरीके की बातें रख रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरे बातचीत पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।